अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार हम इस ट्रिप को आगे कंटिन्यू करें। यही है किन्नर कैलाश भाई। अभी है ना ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा। तो रात को हम लेट आए थे तो इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाया मैं। और यहाँ से अब सुबह के टाइम 5:30 बजे का टाइम है। कुछ इस टाइम का व्यू है किन्नर कैलाश का। चलिए कोशिश। ये जो शिला दिख रही है ना, यही है किन्नर कैलाश, जो कि ऑफिशियल यात्रा स्टार्ट होती है 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक। तो उसको करने वाले जो लोग आते हैं उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती है रोकोंग पीओ में, पुलिस स्टेशन से, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ से, तब होती है यात्रा। और ये काफ़ी टफेस्ट यात्रा है मैं आपको बताऊँ। तो दोस्तों कल ऐसा हुआ, गाड़ी को चेक कराते कराते हमें हो गया बहुत डिले। और उसके बाद हम होटल में आए करीबन 7:00 बजे। तो शूट ही नहीं किया मैंने क्योंकि हमारा मूड इतना ख़राब हो गया था। फाइनली ये पता चला कि गाड़ी की जो की है ना उसके अंदर इशू है और वो जब भी चेक हो सकता है या तो शिमला में, क्योंकि यहाँ पे की अवेलेबल नहीं हो सकती, इनके पास कोड नहीं था, या आपको दूसरी की से चेक करना पड़ेगा। और यह अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो चलाओ, अगर बाई चांस कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती है, तो उस केस के अंदर आप RSA को कॉल करना और गाड़ी को हम टो करवा लेंगे कहीं से भी। अभी टेंशन दे दी इन्होंने मेरे को। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार हम इस ट्रिप को आगे कंटिन्यू करें या नहीं करें। अब क्या है ना, गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है लेकिन जो फोर्थ ट्रे है ना वहाँ पे रखने के बाद स्टार्ट होती है, 2 बार पुश बटन करना पड़ रहा है स्टार्ट के लिए। और अगर उसके नीचे का कोई भी सामान हम रख देते हैं ना ट्रे के नीचे, अभी चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई थी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा स्टार्ट नहीं हो रही, लगता है अब तो ख़राब ही होगी, टो करानी पड़ेगी। फिर सडनली मैंने कहा चॉकलेट्स वगैरह सारी हटाओ इसके नीचे से, फिर स्टार्ट करी, हो गई। तो अभी तक मैंने ये पकड़ा है कि भाई इसके नीचे कोई सामान नहीं होना चाहिए तो स्टार्ट हो जाएगी। अब लेट्स सी, आज पूरे दिन में पता चल जाएगा हमें क्या सिचुएशन है गाड़ी की, ठीक है। और अगर ठीक रही तो हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे जैसे भी जाएंगे। लड़िया देख रही थी। हम अपना लैगेज रखते हैं और निकलते हैं यहाँ से ताबो नाको के लिए। और नाको अगर जल्दी क्लियर हो गया ना कंप्लीट, फिर आगे जाएंगे ताबो के लिए। सांस फूलने लगे हैं क्योंकि अब एल्टीट्यूड गेन हो रहा है। आज का सफ़र होने वाला है नाको। नाको लेक देखेंगे, वहाँ से टाइम अगर सही लगा तो ताबो जाएंगे ग्यू मोनेस्ट्री होते हुए। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो हमारा जो स्टे होगा वो होगा ताबो, ठीक है। अगर बाई चांस रात हो जाती है तो ताबो ना रुक करके हम नाको रुक जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कल्पा से जर्नी के लिए। सबसे पहले लेते हैं डीजल, क्योंकि यहाँ के बाद डीजल मिलेगा अपने को कल्पा के अंदर ही, सॉरी काजा के अंदर। तो चलते हैं, हम लेते हैं डीजल। ये हमारा होटल था, बहुत अच्छा होटल, मॉडल रेजिडेंसी, खाना एक नंबर था भाई। तो स्टार्ट करें दोस्तों। ओके, बोल शंकर भगवान की जय। बाय। सीट बेल्ट। भाई अभी है ना ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया था रोकोंग पीओ में। एक छोटी सी लाइट थी, मुझे दिखाई नहीं थी। और यहाँ का फाइन भी बहुत ज़्यादा है, 2500 रुपये फाइन है, या तो लाइसेंस आदि होगा कह रहे थे। बट भाई यहाँ पे देख के चलना, लाइट दिख रही, पेड़ के तो छुपी हुई थी, पर वो इंस्पेक्टर काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मेरी बात मान ली और वार्निंग दे के छोड़ दिया। तो फिलहाल हम हैं रोकोंग पीओ के अंदर, बाकी यहीं से ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं। और रोकोंग पीओ की मार्केट ये सबसे बड़ी, इसके बाद डीजल लेंगे फिर आगे मूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ ढाबा। यहाँ पे हमने ऑर्डर किए हैं, ये
पूरी छोले कह रहे हैं बट हमें इसे भटूरे कहते हैं हम। और ये चाय के साथ यहाँ पे मैंने देखा तो मैंने ऑर्डर कर दिया, मैंने कहा क्या है, मैंने कहा चाय के साथ खाते हैं, मैंने कहा कर दूँ। तो बूंदी और ये सेवई है, मतलब हम तो नमकीन कहते हैं, ये सेवई कहते हैं, तो मिक्स करके खाने वाली चीज़ें। फूड पड़े अभी एक प्लेट आई है, ब्रेकफास्ट कर लिया अभी हमने, टाइम हो गया है 11:15 हो गए। अब यहाँ से जो निकलते हैं क्योंकि लंबा है रास्ता, और हम करते हैं इंजॉय फोटोज़ वीडियोज़ ड्रोन शॉट करते करते, जो एक घंटे का सफ़र होता है ना वो 2.5 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि घूमना तो कम होता है ना, और जब घूमो तो दिल खोल के घूमो। इस शॉप पे खाया हमने, शिवा स्वीट शॉप। तो भाई रिकॉन्गपियो में इकलौता पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का ये, तो यहाँ से रिफ़िल करा लो क्योंकि इसके बाद फिर सीधा मिलेगा अपने को काजा। तो अगर आपको रिफ़िल कराना है तो यहाँ से करा लो, क्योंकि काजा है यहाँ से ऑलमोस्ट 210-220 किलोमीटर के आसपास टुवर्ड्स नाको। भाई कल्पा से लेके नाको का जो रास्ता है ना, वहाँ पे रास्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ना जगह जगह पत्थर गिरते रहते हैं, मतलब बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी, पर छोटे तो हमें दिख रहे हैं। और ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, जो भी ड्राइव कर रहा है या साथ में बैठा है ऊपर की तरफ देखना है कि कहीं से अगर पत्थर गिर रहा है, गिरने वाला है या गिर रहे हैं छोटे मोटे, तो वहाँ पे अपनी केयरफुली तरीके से गाड़ी निकालें। बाकी व्यू तो आउटस्टैंडिंग है भाई। यहाँ पे है ना कुछ एक्सीडेंट हुआ है बाइकर्स का, पीछे एम्बुलेंस में उनको है ना चढ़ा रहे थे, और ऑलमोस्ट एक तो डेड बॉडी थी, एक थोड़ा ठीक ठाक सा था, अब वो उनको है ना नीचे से खींचा गया था रस्सी से, बहुत तेज बाइक चलाने के कारण हुआ है। भाई रोड बहुत अच्छा है नो डाउट, बट रोड पे बहुत ही तीव्र कट है, कभी इधर कभी इधर, तो उस चक्कर में शायद बैलेंस नहीं बना और उनकी बाइक एक्सीडेंट हो गई है, नीचे गिरी है या किसी गाड़ी से हुई है वो कन्फर्म नहीं है। चलो खत्म। पेड़ खत्म हो गए हैं, हरियाली खत्म हो गई है, और बिल्कुल अब आया है मतलब मजा, अब आया है फील कि आप लेह लद्दाख या स्पीति में गए टूर कर रहे हो। अब तक तो नॉर्मल पार्ट थे जो हर जगह होते। कल्पा से तापो के बीच में ना ये चेक पोस्ट आता है डबलिंग में, जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी की एंट्री करनी होती है, कितने मेंबर है, कहाँ से आए हैं, कौन सी गाड़ी है, ये सब कुछ। अब साथ साथ में ये रिवर है ना हमारे, ये चलेगी सतलुज रिवर है, रिवर है। रास्ता काफी अच्छा सुहाना। I'm
भाई नाको से हार्डली 2-3 किलोमीटर है। चलो अच्छी बात है कि यही डैमेज हुआ, गाड़ी नहीं हुई है, ये तो चेंज हो जाएगा। क्या थुंगुर थुंगुर